नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नीति राजनीति। नीति राजनीति में हम चर्चा करते हैं सरकार की नीतियों की, साथ ही राजनीति में उठापटक की, साथ ही में सरकार किस तरह से राजनीति और नीति को लेकर काम करती है उस पर हम चर्चा करते हैं। और हर बार हम एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं आपको इस प्रोग्राम में जो राजनीति में काफ़ी वर्चस्व रहा हो, जो राजनीति से जुड़े हुए हों। ऐसे ही आज एक और भी शख्स से हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे, जो राजनीति की अगर हम बात करें तो मांगाठाड़े विधानसभा से शिवसेना विधायक हैं, उनसे आज हम आपका परिचय कराएंगे। और साथ ही आज हम चर्चा करेंगे कि मांगाठाड़े विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर किस तरह से उनकी जो नीति है वो काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे से। दादा, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दादा, चर्चा शुरू करते हैं जिस तरीके से मांगाठाड़े विधानसभा की। अगर हम बात करें तो मांगाठाड़े विधानसभा के विकास को लेकर क्या नीति रही है प्रकाश सुर्वे की? मेरा मांगाठाड़े विभाग 80% झोपड़पट्टी विभाग है और सबसे बड़ी बात डोंगर को लग के पूरा है, तो इसके लिए हमने काफ़ी पानी की समस्या है यहाँ। तो मैंने आज 4 नंबर वार्ड में हमारे नगर सेवक उदेश पाटेकर जी, उनके साथ मिलके वहाँ एक बड़े बूस्टर पंप का 11 तारीख को उद्घाटन लिया है। दिवाकर रावते सबको बुलाया है और वो बूस्टर पंप से डोंगर पे पूरा पानी जाएगा और वहाँ के वार्ड के जो सभी झोपड़पट्टी वाले हमारे है मतदाता है उनको सबको पानी की व्यवस्था, आज कई सालों से नहीं हुई, उनको पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उसके साथ में मैंने काजूपाड़ा CRTC और हनुमान टेकड़ी, ये भी बहुत बड़ा डोंगर का इलाका है, उधर भी काफ़ी कम से कम 20,000 झोपड़े है, वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसमें भी पानी की नीचे से ऊपर चढ़ना बहुत तकलीफ होती, तो उसके लिए वो CRCT के यहाँ भी एक बड़ी टाकी का आयोजन किया है, उसका भी प्रस्ताव पास करके लिया है, वो भी पानी ऊपर से पानी नीचे आएगा तो बड़े फोर्स में सबको पानी मिलेगा, यानी यहाँ की पानी की समस्या में निपटा रहा हूँ। सबसे बड़े मेरे यहाँ मतदार क्षेत्र में कोकण के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कोकण वासियों को जाने के लिए मैंने एक प्रस्ताव तय किया है और हमारे कीर्तिकर साहब और हमारे सचिव जो है अनिल देसाई साहब, उनसे चर्चा करके रेलवे मंत्री के साथ बैठक लेके, जो कोकण में रेलवे जाती है वो बोरिव से जाना चाहिए ताकि उपनगर में ज़्यादातर कोकणवासी रहते हैं, इसके लिए वो रेलवे अभी वो मार्ग से जा रही है, सांता क्रूज अपना कुर्ला से उधर जा रही है दीवा तक, वो रेलवे घुमा के बोरोली से अंधेरी से बोरोली से वसे से दीवा ऐसा घुमा के कोकण में जाएगी ताकि यहाँ के कोकण वालों को वहाँ जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें पड़ती है। कुर्ला में जाने के लिए बहुत गाड़ी भाड़ा जाता है, गरीब लोग है, मध्यम वर्ग के लोग, उनको आने जाने का बड़ा तकलीफ होता है, तो इसके लिए यहाँ से जाएंगे तो काफ़ी लोगों का भला होगा, काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। वो भी प्रस्ताव मैंने तय किया और वो प्रस्ताव कुछ दिन में पास करके यहाँ से ट्रेन की शुरुआत करने वाला हूँ। चौथी सबसे बड़ी और एक उपलब्धि मैंने करके लिए है, हमारे दिवाकर रावते साहब जो परिवहन मंत्री जी है, मेरे यहाँ नैन्सी डेपो है, कोकण में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी वो जो ST डेपो है उसकी दुरावस्था बहुत बुरी हुई है, इसके लिए वहाँ मैं नैन्सी डेपो में 150 करोड़ का फंड पास करके लिया है माननीय दिवाकर रावते के साथ, उसको बस एयरपोर्ट बना, जैसे विमानतल बनाता है वैसा एयरपोर्ट यहाँ बस पोर्ट बना के वहाँ से अच्छी सुविधा, AC टॉयलेट से लेके सब अच्छी सुविधा देके वहाँ से इतना बड़ा फंड पास करके वहाँ एक अच्छी नागरिकों को सुविधा मिलने के लिए वो एक बहुत बड़ा काम किया है। और इससे बड़ा यहाँ से थाना में जाने के लिए घोड़बंद मार्ग से जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतें आती, काफ़ी ट्रैफिक जाम होते हैं, लोग डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा जा नहीं पाते। तो माननीय मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे जी से बात करके मैंने नेशनल पार्क अपना टाटा पावर हाउस टू थाना एक नेशनल पार्क के नीचे से टनल मार्ग हम बना रहे हैं, उसके लिए भी हमने 200 करोड़ का निधि पास करके लिया और सब केंद्र शासन से सब मान्यता मैंने हम लोग ने लिए, मैं एकनाथ शिंदे से पाठ पूरा करके यहाँ से वो टनल मार्ग हम दे रहे हैं ताकि 10 मिनट में यहाँ से थाना अपन पहुँच जाएंगे। बिल्कुल दादा, टनल की बात की आपने बताई कोंकण वासियों की, आपने बताया कि 80% जो है आपके यहाँ पे झोपड़पट्टी स्लम इलाके हैं, ऐसे में स्लम की अगर हम बात करते हैं तो हमने अगर बात की जाए तो आवाज़ इंडिया टीवी ने मांगाठाड़े विधानसभा दहीसर के लगातार कई इलाकों का जायजा भी लिया था और वहाँ पर लोगों की अनेक समस्याएं हैं
जैसे आपके ही इलाके की अगर हम बात करें तो केतकी पाड़ा भी है, वहाँ पर भी लोगों ने कई शिकायतें दी थी कि पानी की, जैसे आपने बताया कि पानी की समस्या को लेकर लगातार आप जो है काम कर रहे हैं। लेकिन दादा अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर और भी और विकास सुलभ शौचालय की अगर हम बात करें, बीएमसी जब चुनाव नज़दीक आता है तो शायद सभी को याद आता है कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, लेकिन क्या वजह मानते हैं बाकी 5-4 साल जो है लोग ऐसे ही समस्याओं से जूझते रहते हैं? ऐसा नहीं, बाकी को मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैंने अभी शौचालय की आपने बात की, मैंने मेरे मतदार संघ में 9वां शौचालय जुने जो शौचालय जो किसने आज तक देखे नहीं थे वो तोड़ के 9वां शौचालय बना के दिए हर एक अलग 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 एरिया में, जैसा केतकी पाड़ा में हो, धारकड़ी में हो, रावल पाड़ा में हो, बाद में संभाजी नगर हो, हर एक काजू पाड़ा हो, देवी पाड़ा हो, उधर जुबला पाड़ा हो, हर एक अलग पाड़े है हमारे, इधर भीम नगर हो, दामू नगर हो, ऐसे हर जगह में मैंने कम से कम 9वां शौचालय बना के दिए अभी तक। उसके बाद में मैंने एक ऐसी टॉयलेट भी हाईवे पे जो लोग जाते आते हैं, हमारे लोग मेरे मतदार क्षेत्र के लोग ज़्यादा जाते हैं, उनके लिए भी देवीपाड़ा में ऐसी टॉयलेट बना के दिया है। वहाँ भी बड़ी दिक्कत थी, वहाँ एक भी टॉयलेट नहीं था, वहाँ भी एक टॉयलेट, नेशनल पार्क के सामने भी मैंने एक टॉयलेट पास करके लिया है, उसमें दीपक सावंत साहब ने मुझे 30 लाख का फंड दिया है, वहाँ भी एक अत्याधुनिक टॉयलेट महिलाओं के लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशली। प्रकाश जी अगर बात की जाए, आपकी एक और योजना थी नेशनल पार्क में 1 लाख पेड़ लगाने की, जब अगर बात की जाए तो शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर आपने इस योजना की शुरुआत की थी कि हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे। हालांकि जिस तरीके से आज प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली में बड़ी तेज से प्रदूषण फैल रहा है, मुंबई में अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि क्या वो योजना जो 1 लाख पेड़ लगाने की थी वो पूरी हो गई है? सर मैं बड़े खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, उद्धव साहब खुद आए थे, हमने तभी 1 लाख पेड़ लगाए, और सबसे बड़ी बात आज बहुत सारे लोग खाली घोषणा देते हैं कि हम इतने पेड़ लगाए, उसको जतन करने का कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है, लेकिन हमने जो पेड़ लगाया आज भी आप जाके देख सकते हैं, उसको 1 साल पूरा हो गया, 1 साल तक उस पेड़ों का हम संवर्धन कर रहे हैं। संत निरंकारी पंथ के सभी हर रोज 200 लोग जाके उनको पानी देना, उनको खत पानी देना, उनकी निगाह रखना, ये सब एक साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 1 साल से बहुत बड़े पेड़ हो गए, और 2 साल उनको हम निगरानी करेंगे, और वो सभी के सभी पेड़ हम उनको संवर्धन करके जिंदा करने का काम किया, और उससे काफ़ी प्रदूषण में फर्क पड़ेगा। आज इतने सारे पेड़ वहाँ बढ़ेंगे तो प्रदूषण में बारिश भी अच्छी होगी, प्रदूषण में भी फर्क पड़ेगा, ऑक्सीजन भी हमें अच्छा मिलेगा, इतने का अच्छा काम हमने खाली लगाया नहीं, उनका संवर्धन करने का काम भी हम लगातार 1 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल लगाया ही नहीं, उसको सुरक्षित और बड़े होने के लिए भी काम कर रहे हैं पार्टी। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, अब थाना से जो है बोरीवली का जो रास्ता है वो 20 मिनट में तय करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल पार्क से अंदर से टनल दिया जाएगा जिससे आप 20 मिनट में थाना पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात की जाए मेट्रो परियोजना की दादा, इसके पहले जब शुरुआत हुई थी तो नेशनल पार्क में कई पेड़ कटने की बात कही थी, जिसको लेकर खुद पार्टी अगर बात की जाए तो शिवसेना ने विरोध जताया था कि पेड़ नहीं कटेंगे। अब जब मेट्रो परियोजना चल रही, क्या अब शिवसेना किस तरीके से देखती है, क्योंकि टनल आप बनाने की बात कर रहे हो, तो क्या टनल बनाते टाइम पेड़ काटे नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है कि टनल नीचे से जाएगा और पेड़ ऊपर ही रहेंगे, वन खाते को जरा थोड़ी सी भी तकलीफ उसमें नहीं दी जाएगी। नीचे से टनल जाएगा, काफ़ी गहरा टनल होगा, इससे पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे, वन खाते को भी कुछ तकलीफ नहीं है, और रोड भी मिल जाएगा। बिल्कुल, कोई भी जो है वन खाते को लेकर कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और साथ ही लोगों की जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, और साथ ही जो यातायात की सुविधा है उससे भी लोग निजात पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक से निजात पाएंगे, और आप जल्द से जल्द थाना की जो यात्रा होगी वो 20 मिनट में आप सफर तय कर पाएंगे। ऐसे ही कई और सवाल हैं, जवाब करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक, अभी कॉरपोरेशन नज़दीक आ रही है, उद्धव साहब ने और सीएम साहब ने घोषित कर लिया है कि युति हमारी रहेगी, इसलिए हमारी युति बरकरार रहेंगी। कुछ विरोधी पार्टी वाले कुछ भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ में उनके कोई दम नहीं बचा है। मुझे उद्धव साहब का शाखा शाखा में जाना पसंद था, और उनके काम की शैली मुझे पसंद थी, इसके लिए मैंने, मुझे कोई राष्ट्रवादी में कोई तकलीफ थी ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा उद्धव साहब के साथ काम करके देखूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में आज हम चर्चा कर रहे हैं शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे जी के साथ। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मांगाठाड़े विधानसभा, साथ ही बोरीवली यानी उत्तर मुंबई के विकास के लिए जिस तरह से वो कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अपने विधानसभा में लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी वो बाकायदे सरकार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और योजनाएं ला रहे हैं ताकि जनता की जो समस्या है उससे निजात मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें तो अब महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, उठा पटक चल रही है, दादा अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? अभी कॉरपोरेशन नज़दीक आ रही है, उद्धव साहब ने और सीएम साहब ने घोषित कर लिया है कि युति हमारी रहेगी, इसलिए हमारी युति बरकरार रहेंगी। कुछ विरोधी पार्टी वाले कुछ भी आवाज़ उठाते लेकिन वो आवाज़ में उनकी कोई दम नहीं बचा है। युति बरकरार रहेगी, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया, युति का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले जिस तरीके से बयानबाजी किए, अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिवसेना पर आरोप भी साधते आए हैं किरीट सोमैया, क्या कहना चाहेंगे? किरीट सोमैया एक फालतू आदमी है, वो भुगने का काम करता है, बाकी कुछ करता नहीं, उसे और कुछ होना नहीं है। वो हमेशा लोगों के ऊपर गैर आरोप करके खुद को बड़ा साबित करने का काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोलने के बावजूद भी युति तो हमारे महाराष्ट्र में तय हुई ना, तो उनका कहने का मीनिंग क्या हुआ? उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, मीनिंगलेस बात करता है वो। बिल्कुल दादा, लेकिन अगर बात करें तो युति की, जैसे आपने कही युति है आपकी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो कई बार, चाहे वो विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, अब जो है कॉरपोरेशन का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो दोनों पार्टियों के बीच में थोड़ी बहुत दरार बनने लगती है, क्या वजह मानते हैं? ऐसे राजनीति है, थोड़ा बहुत सीट ज़्यादा मांग के लेने के लिए, किसी ने थोड़ा सा दबाव देने का, फिर दिला छोड़ने का, ये थोड़ी राजनीति की चाले होती है, वो थोड़ी चाले चलती है, इसके लिए थोड़ा बहुत चलती है। लेकिन अभी कोई विरोध में बात नहीं करेगा, ऐसा सीएम ने भी बोला और उद्धव साहब ने भी बोला, इसके लिए कोई विरोध में बात नहीं कर रहे अभी। बिल्कुल, यानी जब राजनीति होती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये राजनीति उठा पटक लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, क्या वजह मानते हैं कि एनसीपी में भी आप भी थे, दल भी लोग बदल देते हैं चुनाव जब नज़दीक आता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही कि एनसीपी छोड़कर शिवसेना में आना पड़ा प्रकाश सुर्वे को? मुझे उद्धव साहब का शाखा शाखा में जाना पसंद था और उनके काम की शैली मुझे पसंद थी, इसके लिए मुझे कोई राष्ट्रवादी में कोई तकलीफ थी ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा उद्धव साहब के साथ काम करके देखूं। दादा बिल्कुल अगर बात करें, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जब आप एनसीपी में भी थे, आज शिवसेना से आप विधायक हैं, लेकिन एनसीपी में भी थे तब भी आपने स्लम आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनके लिए कई योजनाएँ लाए थे, लगातार पिछले कई सालों से आप काम कर रहे हैं उन तमाम स्लम वासियों के लिए, आखिर क्या प्रेरणा ऐसी थी कि इनके को आपने अपनी समस्या समझी? मैंने यहाँ जब आके देखा कि यहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टी है और उनके काफ़ी समस्या है, जो नहीं होता है वो काम करे तो उस काम का कुछ दर्जा उसको काम कहा जाता है। इसके लिए मैंने, आपने देखा होगा जब दामूपाड़ा में हमारे आग लगी, 1200 झोपड़ी जल के खाक हो गई, मैंने लगातार 8 दिन यहाँ रुक के सब झोपड़पट्टी वहाँ सबको दिलासा देने का काम किया, उनको सब चीज़ें मुहैया करने का काम किया। उसके बाद विधानसभा में जाके आवाज़ उठा के फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में ऐसा हुआ होगा कि झोपड़ा जलने के बाद उस झोपड़े को 25,000 रुपया उसको शासन ने दिया। मैंने सीएम से आवाज़ उठाया, काफ़ी मंत्री रामदास कदम चाहे ऐसे सभी मंत्री ने मुझे सहयोग दिया, उद्धव साहब ने भी मुझे काफ़ी सहयोग दिया और विधानसभा में लक्ष्य विधि के रूप से मैंने ये सवाल उठा के 45 मिनट इस सब्जेक्ट पर मैंने वो जोरदार भाषण किया और सरकार को मान्य करना पड़ा कि इनको 25,000 रुपया देना पड़ा, 25 टोटल 30,000 रुपये हर एक झोपड़े को हम उनको देने का काम मैंने किया। दादा सरकार ने मुआवजा 30,000 देने की बात कही दामूनगर की जैसे आपकी, तो वहाँ के जो लोग थे उनका साफ तौर से ये भी कहना था कि हमारा पुनर्वसन यही होना चाहिए, क्या सरकार ने उस पर क्या नीति दी? अच्छा वो आपने बात छेड़ी, अभी मेरे कल ही मैंने पत्र दिया है, अभी उनका पुनर्वसन, अभी वो उनके घर अच्छे हो गए, पानी सब सुविधा दी गई है, थोड़ी लाइट की सुविधा है उसके लिए, और उनका पुनर्वसन वहाँ होने के लिए मैंने आर्किटेक्ट बिठा के वहाँ जो 27 एकड़ 32 गुंटे जो ज़मीन है गोरक्षक धाम की उसके ऊपर उधर स्लम के तहत उनका वहीं पुनर्वसन होना चाहिए, इसके लिए मैंने रामदास कदम पर्यावरण मंत्री, प्रकाश मेहता जी, मुंगटीवार जी, इन चारों की मीटिंग अगले हफ्ते बिठाई है और ये मीटिंग में सब बैठ के उनको सब प्लान भी मैंने सब रेडी करके रखा है, उनको सब बताऊँगा। लोगों ने
भी मुझे सब साइन करके पेपर्स दिए कि हमको यहाँ से और कहीं जाना नहीं, क्योंकि उनका उधर निर्वाह यही है, उनका रोजी रोटी बस सभी बच्चे भी यहीं स्कूल में जाते हैं, इसके लिए उनका यहीं पुनर्वसन होना चाहिए। और हमें वन खाते की एक इंच भी ज़मीन नहीं चाहिए, वन खाते को भी हम मुक्त करके देंगे ताकि वन खाते में झोपड़े वो झोपड़े आटा के हम नीचे लाएंगे और अच्छी अच्छी बिल्डिंग बांध के, ऊँची बिल्डिंग बांध के उनको वहाँ पुनर्वसन करके देंगे। ये मेरा पूरा प्रयास है और उसमें मैं सक्सेस रहूँगा, ऐसे मुझे विश्वास है। बिल्कुल सक्सेस रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज एक और नया फरमान जारी है, 14 फीट से ऊंचाई के जो भी स्लम के झोपड़े हैं उनको तोड़ने का फरमान जारी हुआ है, मुंबई के तमाम इलाकों में अब इसका विरोध चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके भी इलाके में 80% स्लम इलाका है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कई जगह छे माले के झोपड़े बनाइए, अभी ऐसा आप कभी जाके देखोगे बांद्रा में और आया कई जगह छे माले के झोपड़े, तो उसके ऊपर कहीं तो रोक आनी चाहिए, नहीं तो कल कुछ आग लगी कुछ हो जाएगा तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा, काफ़ी लोग मर जाएंगे, क्योंकि उतरने के लिए भी उनको पास जगह नहीं रहेगी, तो उसके ऊपर रोक होना चाहिए। 14 फुट से थोड़ा सा शासन में विचार करना चाहिए, 14 फुट छोटी साइज है, थोड़ा 18-20 फुट तक तो आजकल डबल माला तो कोई भी बनाता है, बिल्कुल 18-20 फीट होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज बात करें, महाराष्ट्र सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, सत्ता में आपकी भी पार्टी है, अभी शासन भी देखो, शासन अगर पहले माले पे उसके पास पूरा हो उसको भी घर देने के लिए तैयार है इस तरह के अंतर्गत, तो मेरे ख्याल से इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा जानी चाहिए, लेकिन वो जो 6-6 माला 5-5 माला जिन्होंने बांधा है वो सच्चे टूटना भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 2 साल महाराष्ट्र सरकार के पूरे हो गए हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र में कितना विकास हुआ है? सर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं, अच्छा उद्योग आ रहे हैं, हमारे मंत्री जी उद्योग मंत्री, उन्होंने बहुत सारे उद्योग लाए और काफ़ी लोगों को नौकरी भी मिलेगी, हर जगह बड़े बड़े कोस्टल रोड ले रहे, बड़े बड़े रोड ले रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम चालू है, सब मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों के बाद आपके नज़र में आएगा कि महाराष्ट्र कितना प्रगतिशील होते जा रहा है। बिल्कुल प्रगतिशील होते जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कांग्रेस का लगातार जो है विरोध है, लगातार आरोप भी लगे हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, जिस तरह से बीएमसी घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा निकाला था, आपकी पार्टी जो है आपकी ही सत्ता बीएमसी में है, क्या कहना चाहेंगे उस घोटाले को? क्योंकि अगर हम बात करें तो मेयर भी आपकी पार्टी की, उन्होंने खुद कई ऐसे घोटाले को, रोड के घोटाले को लेकर उजागर की थी, जिसको लेकर तरह तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश किया था। हमारे उद्धव साहब ने क्लियर कट बोला, कहा है कि ऐसे घोटालेबाज लोग रहेंगे उनको बीएमसी से हकाल दो, इसके लिए हमारे मेयर ने भी बोला, उन्होंने खुद ने पत्र लिखा, जहाँ जहाँ घोटाला होता होगा उनको काम दिया नहीं जाएगा, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके लिए हमारे सरकार के अंदर आपने देखा बीएमसी में कई कॉन्ट्रैक्टर को जेल में जाना पड़ा है, अगर ये ऐसा काम करेंगे तो वो काम सहन नहीं किया जाएगा, उनको जेल में जाना पड़ेगा। हम घोटाले के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, आज भी एक भी मंत्री हमारा जो है शिवसेना का उसके ऊपर एक भी घोटाले का कोई आरोप लगाए क्या? और लगेगा भी नहीं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जैसे आपने कहा कि एक भी मंत्री के ऊपर नहीं, लेकिन आपकी ही पार्टी के एक मंत्री हैं, गृह निर्माण मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, रविंद्र वायकर जी के ऊपर साफ तौर से कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने आरोप लगाया था कि आरे की जो है कुछ जमीनों का जो है कोई घोटाला का आरोप लगाया था, क्या कहना चाहेंगे संजय निरुपम जी? झूठ बोल रहे हैं, उनको कुछ ज्ञात नहीं है, आप जाके वहाँ देखो, वो जमीन जितनी बोल रहे वो इतनी ज़मीन भी नहीं है, और उन्होंने एक इंच भी कुछ काम गलत नहीं किया है, उन्होंने 1+1 एक जिम्नेशियम बांधी है, वो खुद के लिए तो नहीं बांधी है, वो बांधी है जनता के लिए बांधी है, वहाँ के लोगों के लिए बांधी है, वो जिम्नेशियम बांधी है, और 1+1 तो कई आमदारों ने बांधे, कम से कम 50 आमदारों ने बांधे, खाली उसको किसी को टारगेट करने के लिए कुछ भी झूठा बोल देने का ये निरुपम की आदत हो गई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए एक ही आपकी पार्टी का एक बयान आया है, शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने कहा कि चीन के खिलाफ भी अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हमले किया और भारत ने लगातार जवाब दिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी भी तो मैं हमारे महाराष्ट्र की जनता के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस साल दीपावली में चीनी सामान कोई खरीदा नहीं, खाली 40% खरीदा, यानी 60% बैन कर दिया हमारे लोगों ने, ना पटाखे कुछ कुछ नहीं खरीदा। ऐसा अगर हमारी जनता जागरूक हो जाएगी तो मुझे लगता है कि चीनी सामान एक भी यहाँ हमारे यहाँ चीनी सामान आएगा नहीं, तो अपने आप उनको चेकमेट बन जाएगा, हमारा यहाँ का सामान बेच के हमारे यहाँ पैसा कमा के वो
हमारे विरुद्ध में खर्चा करना चाहते हैं, उनके आर्मी के ऊपर खर्चा करके हमारे विरुद्ध में लड़ने के लिए सब करे, इसके लिए लोगों ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया। ऐसा निर्णय आगे रहा तो चीन को भी अच्छी तरह से सबब मिलेगा, और जो हमारे देश के खिलाफ आएगा उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। उद्धव साहब ने एकदम बराबर कहा है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, जो देश के खिलाफ आएगा उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। लेकिन और भी सवाल हैं, उसके भी जवाब लेंगे हम प्रकाश सुरभे से। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो इस पूरे सवाल को लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अभी तो साहब ने हमारे कहा है कि युति होगी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सीट हमारी शिवसेना की आएगी, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। भाई देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी भी इलेक्शन में समझ में आएगा ना। इलेक्शन में अभी इलेक्शन सामने आ रहे, समझे कि कितनी की सीट कितनी आती है, कितनी सीट कितनी नहीं आती है। आप ये बताइए, बीजेपी की इतनी बड़ी लहर थी फिर भी उद्धव साहब ने 63 आमदार चुन के निकाले ना, वन साइड अकेली पार्टी हम लड़ रहे थे मोदी के खिलाफ में, और चुन के निकाले ना, इससे ताकत समझ में आती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में जिस तरीके से प्रकाश सुरवे जी ने कहा कि भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता का शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने चीनी सामानों का जो है बहिष्कार किया था, लेकिन प्रकाश सुरवे जी अगर हम बात करें तो सरकार ने एक नई पहल की है कि जल्द ही महाराष्ट्र में चीनी बसें जो हो चीन द्वारा निर्मित बसें चलाई जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहां हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी बसें लाने की बात कही जा रही है, क्या लगता है? कुछ देश पातली पे हम देखे गए इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर, तो सभी एकदम बैंड भी होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपना हमारा देश अकेला ही सब सहयोग करेगा ऐसा नहीं, सब की मदद तो हमें लेनी थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ेगी। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ जो देश की पातली पे है वो कुछ निर्णय हमें हमारे पंतप्रधान और देश की पॉलिसी के ऊपर रखना चाहिए, तो उसकी ऐसा उसकी तहत से कुछ अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसको, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हर नागरिक ने चाहा तो जैसा ब्रिटिश देश छोड़ के चले गया, क्योंकि नागरिकों ने चाहा तो इसके लिए होता है, हर नागरिक चाहेगा तो अपने आप सब पर रोक लगाई जाएगी, तो वो सीधे हो जाएंगे बाकी के देश। बिल्कुल, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन अगर बात की जाए बीएमसी चुनाव की, हम बात करते हैं बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना की क्या रणनीति होगी? अभी तो साहब ने हमारे कहा है कि युति होगी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सीट हमारी शिवसेना की आएगी, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। 100 के ऊपर सीट हमारी ठोक के आएगी ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो गली गली में शाखा, हर वार्ड में शाखा रखती है, और हमारा कार्यकर्ता घर घर से जुड़ा हुआ है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए जब कोई दौड़ता है तो हमारा शिवसैनिक दौड़ता है और कोई दौड़ता नहीं। शादी हो, ब्याह हो, मैत यात्रा हो, या और कोई भी रेशन कार्ड बनाना हो, पानी की समस्या हो, गटार की समस्या हो, नाले की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इसके लिए दौड़ने वाला अगर कोई है, हर रोज शाखा में भीड़ रहती है। बहुत सारे पार्टी के तो ऑफिसेस भी नहीं है, तालुका वाइज ऑफिसेस नहीं, तो वार्ड की तो बात छोड़ो, तो इसके लिए गली गली में जुड़ी हुई कोई संगठन हो तो शिवसेना है, और हमारे बलबूते बीजेपी अब तक यहाँ बढ़ी हुई है, ये बीजेपी ने कभी भूलना नहीं चाहिए। मोदी का लाट अभी आई है लेकिन ये लाट ज़्यादा दिन नहीं रहती कोई, तो हमारे साथ ही उनके जुड़ के रहना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल तक पहुँचने वाला कोई रहेगा तो शिवसैनिक रहेगा, ऐसा वर्ल्ड ने माना है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी की साख अभी आई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में पूरी तरह से सक्षम है और उनकी सत्ता बीएमसी में भी आएगी, क्या लगता है? भाई देखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी भी इलेक्शन में समझ में आएगा ना। इलेक्शन में अभी इलेक्शन सामने आ रहे, समझे कि कितनी की सीट कितनी आती है, कितनी सीट कितनी नहीं आती है। आप ये बताइए, बीजेपी की इतनी बड़ी लहर थी फिर भी उद्धव साहब ने 63 आमदार चुन के निकाले ना, वन साइड अकेली पार्टी हम लड़ रहे थे मोदी के खिलाफ में, और चुन के निकाले ना, इससे ताकत समझ में आती है। फिर भी अभी भी उनकी आँखें नहीं खुली है तो समझ जाएगा वो भी। लेकिन अगर बात करें बीएमसी चुनाव की, बात करें जिस तरह से आज महाराष्ट्र में और उत्तर भारत का अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है छठ पूजा, छठ पूजा को लेकर जो है अब बीजेपी जगह जगह छठ पूजा का आयोजन कर रही है, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी वोट बैंक के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है, और साथ ही जो है मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने सीएम को एक सलाह भी दी है
कि इसको लेकर छठ पूजा को राजनीति न की जाए, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है तो आज राजनीतिक पार्टियां उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं? ऐसा हर पार्टी में अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, तो हमारे पार्टी में भी उत्तर भारतीय हम भी कई जगह छठ पूजा कर रहे हैं। आज ही मैंने नेशनल पार्क में विजिट दिया, हमारे साथ वो पांडे बंडे सब लोग थे, उनको लेके गया, वन खाते का अधीक्षक था उसको मिला, और नेशनल पार्क में पूजा के लिए बहुत सारे लोग आते, उनके लाइट का वहाँ आयोजन करके दिया और सब करके दिया। तो ऐसा नहीं, उनके पार्टी में भी कुछ लोग है, निरुपम के पार्टी में भी, निरुपम खुद ही उत्तर भारतीय, इसके लिए वो भी करता है। तो सबका अपने अपने पदाधिकारी होने के कारण सब लोग उसमें काम कर रहे हैं। दादा, एक स्कीम और आई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि शिक्षकों को ये कहा गया है कि विद्यार्थियों के साथ सेल्फी निकाली जाए और उनकी उससे प्रेजेंटी दिखाई जाएगी। क्या लगता है इस स्कीम से कितना विकास होगा बच्चों का? एक तो बच्चों का और टीचरों का रिलेशन और बढ़ेगा, काफ़ी नज़दीक आएंगे, और मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। पढ़ाई के दौरान बच्चों का और शिक्षकों का एक मिलाप भी अच्छा होगा और शिक्षण में क्वालिटी सुधरेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सेल्फी निकालें, मुख्यमंत्री उनको पता उनकी सेल्फी निकाल कर पोस्ट करें, तब शिक्षकों को सीख दें, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विरोधक है कुछ भी बोलते रहेंगे, उनको कुछ काम धंधा नहीं है अभी बोलने के सिवाय। जब 15 साल थे वो तभी उन्होंने कुछ किया नहीं, तब वो झूठ, कोई ठोस कार्यक्रम उनके पास नहीं है, लेकिन इसके लिए अभी कुछ भी बातें कर रहे हो। दादा, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से अभी हाल ही में देखा वन रैंक वन पेंशन का जो मामला है दिल्ली में, जिस तरह से आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री को नहीं मिलने जाने दिया जाता, उसको लेकर जिस तरह से आज राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं देखी जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो उसको नहीं मिलने दिया वो गलत बात है, उसको मिलने देना चाहिए। और देश के लिए शहीद जवान हुए हैं, वो अगर आत्महत्या करते तो हमारे लिए बहुत दुर्दैव की बात है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जैसे आप प्रकाश सुर्वे ने खुद एक अभियान छेड़ा था महाराष्ट्र के किसानों के विकास के लिए जब सूखा अकाल पड़ा था, लेकिन आज अगर हम महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति देखते हैं? महाराष्ट्र के किसान कितना विकसित हुए हैं? मैंने खाली किसानों के निर्णय, अभी उरी में जो हमारे जवान शहीद हुए, 5 जवान जो शहीद हुए, उनको मैंने हर एक को 1.25 लाख रुपये हमारे ट्रस्ट के माध्यम से मैंने दिया, उनको फैमिलियों को यहाँ बुलाया, उनका मान सम्मान किया, उनको 1.25 लाख रुपया मेरी तरफ से मैंने दिया। तो शेतकरी थे, शेतकरियों के लिए भी मैंने 5 लाख रुपया का निधि उद्धव साहब को सपोर्ट किया था। तो हमने दौरे भी किए थे उद्धव साहब के साथ, उद्धव साहब भी खुद आए थे, जगह जगह जाके दौरे किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो उनके लिए बहुत काम किया, हजारों लोगों की शादी करके दी, हजारों लोगों को घर बसाए, कई लोगों के 10-10 हज़ार के घर घर में जाके चेक दिए गए, इतना सब काम, कई जगह तो शिवकालीन पानी योजना वो भी हमने चालू करवाई। शिवसेना एक ऐसी पार्टी की जो गरीबों के लिए बहुत सारा काम करती है, शेतकरियों का बहुत सारा काम करती है, बाकी कोई पार्टी खुद सामने जाके इतना काम नहीं किया, खाली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली काम करने वाले शिवसेना एक पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में जब से बीजेपी सरकार आई है, जल सेवा योजना जो है लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने का काम सरकार ने, ऐसी पहली सरकार है जो लगातार किसानों के लिए कर रही, क्या कहना चाहेंगे? कितना जल सिवाय योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को फायदा हुआ है? इस साल बारिश भी अच्छी हुई है, और जलयुक्त शिवार की योजना पहले शिवसेना ने की, शिवसेना ने काम शुरू किया, कहीं JCP खरीद के वहाँ लोगों को दिए और काम शुरू किया, उसके बाद बीजेपी उसके में आके कूदी। मुख्यमंत्री उनका होने के बाद फंड देते तो थोड़ा बोलते हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, शिवसेना ने पहला काम किया, शिवसेना घर घर में पहुंचे, शिवसेना गरीब के वहाँ जाके, खुद उद्धव साहब घर घर में, जहाँ जहाँ गरीबों ने हत्या की उनके घर में जाके खुद उद्धव साहब मिले थे, इसलिए इसका सबसे बड़ा श्रेय शिवसेना को जाता है, ऐसे में वादे के साथ कहूँगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यानी जब शिवसेना कोई भी योजना शुरू करती है तो अन्य पार्टियाँ उसका ही सहारा लेने लगती हैं, ये कहा जा सकता है? हम योजना शुरू करते, उसको अच्छी तरह से हम निभाते, फिर वो उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो बाकी सब आके कूदना शुरू कर देते हैं उसमें। दादा, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, यूपी में भी शिवसेना जो है चुनाव लड़ रही है 200 सीटों पर, क्या कहना चाहेंगे यूपी चुनाव को लेकर, क्या देखते हैं किस तरह, क्योंकि जिस तरह से यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि उद्धव साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, खाली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर गोवा में भी हमारी युति
दूसरे अन्य दल पार्टी से हो रहे, गोवा में भी हमारी सीट आएगी और शिवसेना अभी बाहर आजू बाजू के जो राज्य उसमें आगे बढ़ेगी, अभी शुरुआत है लेकिन अच्छे से आगे बढ़ेगी इसका मुझे पूरा दावा है। क्योंकि हिंदुत्ववादी पूरा चलाने वाली अगर कोई पार्टी होगी तो वो सिर्फ शिवसेना 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 है। धन्यवाद दादा, आप हमारे इस शो में आए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो साफ तौर से प्रकाश सुर्वे जी का कहना है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित की योजनाएं शुरू करती है, अन्य पार्टियां जब योजनाएं विकसित होती हैं तो उसमें अपना श्रेय लेने का काम करती हैं। साथ ही शिवसेना अब महाराष्ट्र से बाहर भी निकलकर चुनाव मैदान में कूद चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महाराष्ट्र की तरह अन्य राज्यों में भी शिवसेना की कितनी साख बढ़ती है और किस तरह से शिवसेना का वहां पर विकास होता है। आज के सफर में बस इतना ही, देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।